किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 112 करोड़ की लागत से होने वाले 34 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से संवाद किया तो वहीं रक्षाबंधन को लेकर लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को राखी भी बांधी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और हमें भी इसमें अपना योगदान देना है। ये प्रेम परिवार का प्रेम है, बहनों का, भाइयों का, बेटे बेटियों का, और ये प्रेम यही संकल्प पैदा करता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक क्षण जनता की सेवा में गुजारूं। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, बहनों की सेवा मेरे लिए देवियों की पूजा है। दिन रात जी जान से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी जनता की सेवा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया विकसित भारत बनाने का, संकल्प गांव को गरीब मुक्त बनाने का, संकल्प लखपति दीदी बनाने का संकल्प। इस संकल्प को पूरा करने में मैं भी परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा। तो भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों के लिए बधाई संदेश दिया और कहा कि हम सभी महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी लाडली बहनों, आप सबको प्रणाम और सभी प्रिय बहनों को राखी की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहनें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त हों, यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर मेरी प्रिय बहनों, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित माई दंतेश्वरी